बातें करने कैसे बनते हैं सिंपल वे में, बहुत सारे स्टेप हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप है पतंग उड़ाने के लिए, सबसे पहले उसको कन्ने बांधना है। आप इतनी वो लीजिए कि सर्दी ग्राफ को डबल कर लीजिए, वो आपकी चॉइस, आप सिंगल बांधें डबल बांधें, उसमें एक गांठ लगा लीजिए, वो भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। पतंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी ये वाली तिल्ली बराबर होनी चाहिए, इसे आप दे सकते हैं, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, और ज़्यादा हल्की तिल्ले की नहीं होनी चाहिए, ना जब भारी तिल्ले की होनी चाहिए। सीख ले लीजिए आप, एक होल यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस स्मॉल सा एक होल यहाँ पे, और आप ऐसे नाप लीजिए, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। आप इसको स्ट्रेट करिए, सेकंड होल में डाल दीजिए, पीछे से निकालिए, इस वाले होल में डाल दीजिए, इसमें भी आप काट मार दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कन्ने बन गए हैं, इन दोनों को एडजस्ट कर लीजिए, हमेशा आगे वाले थोड़े छोटे रखना, ऐसे एडजस्ट करते हैं, देख लीजिए आगे वाले छोटे हैं, थोड़े बड़े, यहाँ पे गांठ मार दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि गांठ कितने बन गए हैं, इक्वल हैं सब। हम आपको झक तोड़ना सिखाएंगे, झक कैसे तोड़ते हैं, इस वाली डंडी को ऐसे बेंड करके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस है तो हम ऐसे करते हैं, पर आप न्यू हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से करिएगा, तिल्ला इस पर टूट जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैंड हो चुकी है। इसको ऐसे बैंड इसलिए करते हैं ताकि जो इसको हवा में जाके खींच के मारने के लिए टाइम मिल जाए, आप देख सकते हैं ये बैंड है। तो गाइस ऐसा आई वो चिल्लाने वाले लोग बहुत दिखेंगे आपको यहाँ पर। हाँ वैसे पतंग तो बहुत उड़ रही हैं, बच्चे सब पतंग उड़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मंजे में ले लिया है, तो आप मंजे का वो सीधा लेके इसमें एक मार दीजिए, तो पतंग सीधा रखने का गाइस हमारी पतंग हवा में उड़ चुकी है, देख सकते हैं आप, और ये ब्लू पतंग आ रही है जिससे अभी हम पेच करने की सोच रहे हैं, तो सुहेल भाई बताएंगे पेच कैसे करते हैं। सुहेल भाई निकालना होता निकाल लीजिए, सर्दी में मान लीजिए सर्दी एंड के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आप पतंग देखेंगे भारी होता है। तो गाइस पेच हो रहे हैं, देखते हैं, आई बो काट दी पतंग, काट दी सुहेल भाई ने, चल। तो गाइस जेब भाई ने पतंग उड़ा चुके हैं, वो रही लाल पतंग जेब भाई की, तो वो हरी पतंग से पेच हो रहे हैं मेरे हिसाब से। काट दी भाई जेब भाई ने पतंग, काट दी, पीछे वाले हमें चैलेंज दे रहे हैं, वो चैलेंज दे रहे हैं हमें, तो अब देखते हैं भाई आगे पतंग ले जाओ लाल वाली पे, जय भाई लाल वाली पे ले जा रहे हैं। गाइस हमारी जो पतंग है ये है रेड, तो हत्ते पे मत डाल दियो। तो गाइस ये एक पागल लोग हैं, हत्ते पे डाल रहे हैं हमारी पतंग पे सद्दी पे, इनके बस की तो है नहीं मंजे से लड़ाना, तो अब क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं यार, हम भी इन्हें जीने देते हैं इनकी जिंदगी। तो गाइस जय भाई कौन सी पतंग से कर रहे हो, ये जो काली पतंग है इसकी काटनी कर रहे हैं, तो उतार लो जय भाई उतार लो। तो
गाइज आप ये भी बताइए कमेंट करके आपको क्वालिटी कैसी लगती है हमारी वीडियो की। तो ये पतंग के पेच होते हुए रेड पतंग हमारी है, गल चुकी है पतंग तो। हाँ तो काली वाली पे क्यों डाल रहे हो ब्रो, इस पे डालो। हाँ इस पे हाँ। तो गाइस इस वाली पे हो रहे हैं पेच, ग्रीन सी जो है तिरंगा, मतलब देखते हैं ये पेच होते हुए गई जेब भाई की, गई जेब भाई की पतंग कट गई। अब मैं उड़ा के बताता हूँ कैसे उड़ाई जाती है पतंग, तो आप देखिए जरा। वो कर दिए एक साहब भाई ने। तो गाइस अब ये वाली पतंग काट देंगे हम। तो गाइस अब हम इन नीली पतंग काटते हैं। तो गाइस मेरी दूर की नजर कमजोर है इसलिए मैं चश्मा पहनता हूँ, तो इसको माइंड मत करना। ओए ढील से पर ढील से भाई यार से। आई बो, ये साहब बहन ने ये वाली पतंग काट चुके हैं। आए भाई एक और पतंग काट चुके हैं, ये लहर रही। अब वो लाल पतंग की बारी है, दिखा। अब सद्दी में बांध दो शेर भाई। गाइस मैंने तीन पतंग काट चुका हूँ, तो मैंने सोचा इतनी पतंग उड़ाई नहीं है जेब और सुहेल ने, तो अब मैं जेब को दे दूँ पतंग के। तो जेब अब करेगा पेज, वो रेड वाली है हमारी, जब से हमारी पतंग किसी से कट ही नहीं पाई है, तो अब रेड वाली से कर रहा है जेब भी। पता नहीं हमारे गांव में बहुत ही रेड पतंग ही उड़ती रहती हैं। गाइस सबको रेड पतंग पसंद है हमारे गांव में, जेब भी। बस और तो कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। गाइस वैसे आपने पिछली दो वीडियो में बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपने बहुत प्यार दिखाया पिछली वीडियोज में, आपने हमारे पहले दिन ही 250 सब्सक्राइबर क्रॉस करवा दिए, तो गाइस दिल से बहुत शुक्रिया। तो अभी सुहेल भाई ब्लैक पतंग से पेच करेंगे। सुहेल भाई करके दिखाओ। तो गाइस कट गई हमारी। गाइस जब हमारी पतंग कटती है पूरा गांव चिल्लाता, देखो वो भी चिल्ला रहा है और ये पीछे वाले भी चिल्ला रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों ने जो हमें मंजर दिया था, जेब भाई उससे पतंग उड़ा रहे हैं। हमारी वाली ये पर्पल वाली है, ये जो पीछे हमें चैलेंज दिया था इसने, ये वो है। आई बो, ये देख सकते हैं आप जैसे कि पतंग कट गई है, ये पेच हो रहे हैं हमारे। आई बो गई एक और जेब भाई ने पतंग काट दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी पतंग काट दी है, आसमान साफ कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है, आज ऊपर वाला भी हमारे ऊपर मेहरबान है। तो गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।